अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फूड एंड टिप्स। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सा चिकन और एग सूप, जो बहुत ही मज़ेदार बनता है। जैसा बिल्कुल आप लोग बाज़ार से लेके आते हैं, बिल्कुल वैसा ही बनता है। मैंने भी बाज़ार का ही पिया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने घर में ट्राई किया, सेम वही टेस्ट आया। तो आप लोग भी इसे सेम मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा तो आपका सूप भी बिल्कुल बाजार जैसा सूप बनेगा। तो चले बनाना शुरू करते हैं मज़ेदार सा चिकन एंड एग सूप। सूप बनाने के लिए एक पैन ले लिया है मैंने, और इसमें मैंने आधा किलो चिकन जो है वो शामिल कर दिया है। चिकन मैंने हड्डी वाला लिया है क्योंकि जो सूप है वो हड्डी वाले गोश्त से ज़्यादा मज़े का बनता है। और इसमें मैं पानी शामिल कर रही हूँ, तकरीबन 1 लीटर से ज़्यादा थोड़ा सा मैंने पानी शामिल कर दिया है इसमें। अब इसको मैं अच्छे से बॉईल कर लूँगी। उसके बाद मैं जो बोटियाँ हैं वो हड्डियों से अलग कर लूँगी और फिर हम जो है अगला प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। चिकन हमारा बॉईल हो चुका है और जो हमारी यखनी है वो भी बिल्कुल तैयार हो गई है। ये देखें, चिकन बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। अब मैं इसको सेपरेट कर लेती हूँ। चिकन जो है वो मैंने अच्छी तरह से रेशा कर लिया है। ये दोबारा से मैं यखनी में शामिल कर रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा सूप बनाना है तो इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं। ये 2 अदद मैंने शिमला मिर्च ले ली है, इस तरह से बड़ा बड़ा काट लिया है और बीज इसके निकाल लिए हैं। ये हम फ्लेवर के लिए ऐड, और ये मैंने 3 अदद, 3 से 3 ले लें या 4 ले लें, मैंने हरी वाली मिर्चें ली हैं। इनको दरमियान से मैंने चीरा लगा लिया है, और 2 जवे मैंने लिए हैं लहसुन के, इनको ज़रा सा इस तरह से मैंने तोड़ लिया है। ये भी शामिल कर दूंगी। हाफ टी स्पून जो है वो मैं अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। वन टेबल स्पून जाएगा इसमें नमक, 1 टीस्पून जाएगा इसमें काली मिर्च पिसी हुई। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। सूप में बॉयल आ गया है, अब इसको हम कुक कर लेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। इसको जो है मीडियम लो फ्लेम पे मैं इसको कुक कर लूँगी, ताकि जो हमारी शिमला मिर्च है और जो हमारी सब्ज़ मिर्चें हैं उनका फ्लेवर जो है अच्छी तरह से हमारे सूप में आ जाए। तकरीबन 7 मिनट हो गए हैं इसको कुक होते हुए। ये देखें, वेजिटेबल्स का कलर भी चेंज हो गया है। तो अब बाकी के सॉसेजेस जो है इसमें शामिल कर लेते हैं। सॉसेजेस जो है वो हम साथ ही शामिल कर लेंगे, ताकि हमें जो है वो सर्विंग टाइम पे डालने की ज़रूरत महसूस ना हो। 1 लेमन जूस जाएगा, ठीक है, और तकरीबन इसमें जाएगा 3 to 4 टेबल स्पून इसमें सोया सॉस जाएगा, ठीक है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लेंगे। और साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी सिरका। सिरका जाएगा इसमें 2 टेबल स्पून, क्योंकि हमने 1 लीमू भी ऐड किया है तो सिरका जो है वो हम कम डालेंगे। ये देखें, आप मज़ीद अपना इसका फ्लेवर जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसको चख लें, अगर आपको सोया सॉस और ज़्यादा डालना है या कम डालना है उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून इसमें शामिल कर देंगे चिली सॉस। अब इसमें 1 अदद हम अंडा शामिल करेंगे, इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके इसको डालेंगे, यूं करके।
अब इसमें मैं कॉर्नफ्लोर शामिल करूंगी, 3 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, ये मैं डालती जाऊंगी, साथ साथ में मैं हिलाती जाऊंगी। ये देखें सूप हमारा गाढ़ा गाढ़ा हो गया है। आपको जितना गाढ़ा करना है, अगर इससे ज़्यादा गाढ़ा करना है तो आप 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर शामिल कर लें। दूसरी तरफ मैंने अंडे बॉयल होने के लिए रख दिए हैं, 4 में अंडे बॉयल कर रही हूँ, वो भी छील के काट के इसमें शामिल करेंगे। चलें जी, सूप हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। अब मैं इसमें अंडे शामिल कर रही हूँ, ये मैंने बॉयल करके 4 अंडे हैं इनको काट के तो इसमें शामिल कर दिया है। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ये सर्विंग टाइम पे शामिल करने हैं, पकाते हुए बिल्कुल शामिल नहीं करने। जब हम सूप को सर्व करेंगे तो तभी हम अंडे जो हैं वो शामिल करेंगे। जी तो व्यूअर्स, मज़ेदार सा हमारा एग एंड चिकन सूप बिल्कुल तैयार हो गया है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को भी लाइक और शेयर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।